मैं लेकर आई हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक दैट इज सबलिमिनल म्यूजिक. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना ही होगा. अगर आपने सबलिमिनल नहीं सुना है तो आपने ये जरूर सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, राइट. सो ये एक तरीके से उसी का ही पार्ट है. इसके बारे में हम डेफिनेटली इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. एंड जो भी सबलिमिनल का मतलब होता है, कैसे सबलिमिनल काम करते हैं, कैसे आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसे कैसे कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी. सो कीप ऑन वॉचिंग. ऑडियो फॉर्म में एक म्यूजिक होता है जिसके पीछे एफर्मेशंस छुपी होती हैं, जो कि हम कॉन्शियसली उसको समझ नहीं पाते हैं. सबलिमिनल हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अट्रैक्ट योर एक्स, गेट एन इंस्टेंट कॉल, कई भी सबलिमिनल्स मैंने ट्राई करे हैं, गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, गुड स्किन, स्लिम फेस, स्लिम नोज, लॉन्ग हेयर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए सबलिमिनल अवेलेबल है एंड सबलिमिनल हर एक टॉपिक के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं. सबलिमिनल में एक फायदा होता है, जो भी एफर्मेशंस होती हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं. अब बात करते हैं कि सबलिमिनल वर्क कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो इस वीडियो की जान है. सबलिमिनल म्यूजिक कैसे काम करते हैं, देखिए हमारे एक्चुअली तीन स्टेट्स होते हैं माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. अभी अनकॉन्शियस की बात हम बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में, किसी और दिन. मैं बहुत ही ब्रीफ में इसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ. कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे करेंटली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं बहुत ही कॉन्शियसली वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान है, मैं कॉन्शियस हूँ. मैं कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, मैं कॉन्शियस स्टेट में हूँ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ. कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन. सबलिमिनल एक टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, उसको रिप्रोग्राम करने का. पहली चीज, सबलिमिनल का पूरा लॉजिक ये है कि जो भी एफर्मेशंस हैं वो बाईपास होते हुए कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे. अगर वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, इट मींस वो चीज रियलिटी में हो जाती है. एंड जो सबलिमिनल म्यूजिक होता है उसके पीछे एफर्मेशंस होती है प्रेजेंट टेंस में. क्या रिलेशन है सबकॉन्शियस माइंड का एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सिंपल सी बात में समझते हैं इसको. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो भी हम सोचते हैं वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे. अगर हम बहुत ही पॉजिटिव हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव तरीके का एनवायरनमेंट ही हम अट्रैक्ट करेंगे. अगर हम बहुत नेगेटिव हैं, किसी चीज को क्रिटिसाइज करते रहते, तो वो चीज हमारे साथ और होती है. सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग 24/7 चलती रहती है. सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारा 24/7 एक्टिव रहता है. मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ. सपोज आपको 90% चाहिए कैट के एग्जाम में, भले ही आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, बट ये आप चाहते हो कि आपके 90% आए कैट के एग्जाम में. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है. क्योंकि एक बार कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी में लेके आता ही आता है, ये 100% ट्रुथ है. इसकी टेक्निक्स बहुत सारी हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने की टेक्निक्स बहुत सारी हैं, इसको रिप्रोग्राम करने की टेक्निक्स बहुत सारी हैं. उसमें से एक सबलिमिनल भी है. विजुअलाइजेशन हो गया, विजन बोर्ड हो गया, या फिर राइटिंग स्क्रिप्टिंग टेक्निक हो गया, जर्नलिंग हो गया, या फिर 555, 333, 369, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, वाटर टेक्निक है, मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की. प्लस आपने एक और चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नोटिस की होगी कि कोई भी चीज होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं. इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिफरेंस करना नहीं जानता है. एंड एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंच गई तो कोई भी चीज हो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट इजिली की जा सकती है. तो यहाँ पे जो सबलिमिनल का फंडा है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, जिससे कि कुछ भी चीज मतलब आप अट्रैक्ट कर सके. क्योंकि हमारे बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स बिठा दिए गए हैं कि ये चीज करनी मुश्किल है. हमारा माइंड बचपन से कंडीशन किया गया है कुछ चीजों को लेके, जैसे कि कुछ पैटर्न्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक वर्ल्ड फेमस पैटर्न्स है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. आप जितना इस चीज को दोहराए
दोहराएंगे उतना ही ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगी एंड फिर सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी में लेके आएगा. मैं जितना उसको सुनूंगी उतनी ही जल्दी वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी एंड फिर वो चीज रियलिटी में आएगी. ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है सबलिमिनली काम करने का. सपोज मुझे अपनी हाइट इंक्रीज करनी है, सपोज मेरी हाइट 5'6" है, अब मुझे मैनिफेस्ट करना है 5'9" सपोज, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं. तो जो एफर्मेशन होगी उसके पीछे वो ये होगी, आई एम ग्रेटफुल टू हैव 5'9" हाइट, ठीक. बट अगर ये एफर्मेशन बहुत क्लियर होती तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत इंटरफेयर करता. कभी भी कोई चीज ऐसी होती है जो पता है हमें रियल नहीं है ना, हम उसको बोलते हैं तो हम खुद को बहुत ही डम साउंड करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि पागल है ये क्या बोल रही है, क्या ये तो रियलिटी है ही नहीं. सो जो इंटरफेयर करने वाली चीज है वो हमारा प्यारा सा कॉन्शियस माइंड है. सबलिमिनल हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करता हुआ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है. एंड अगेन मैं फिर से वो चीज बोलूंगी, अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज रियलिटी में हो जाती है. एफर्मेशंस क्या होती है? एफर्मेशंस बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बट मैं आपको समझा देती हूँ एक बार. सपोज मुझे क्लियर स्किन चाहिए, सबलिमिनल है उसके एफर्मेशंस ऐसे हो सकते हैं कि आई हैव क्लियर स्किन, आई हैव स्पॉटलेस स्किन, आई हैव अमेजिंग क्लियर ग्लोइंग स्किन, माई स्किन इज शाइनी, माई स्किन इज ब्यूटिफुल. मतलब ये होती है एफर्मेशंस एंड एफर्मेशंस हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रेजेंट टेंस में बोली जाती हैं. अब क्वेश्चन आता है कि सबलिमिनल का बेस्ट टाइम क्या है जिससे कि जो हमारी बात है, जो हमारी एफर्मेशंस है वो बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे तरीके से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे और जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, जल्दी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो. मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का टाइम, सुबह उठते ही. एंड दूसरा टाइम होता है रात के सोने से पहले. रात के सोने से पहले का एक और लॉजिक भी है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है वो काफी थका हुआ होता है एंड उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वहां पे एक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड सबलिमिनल की बातें अफर्मेशंस बहुत जल्दी कैच करता है एंड इससे बहुत जल्दी रिप्रोग्राम भी होता है फिर वो चीज जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट होती है. ये तो बेसिक सा मुद्दा यहाँ पे ये है, जब आप आधी नींद में होते हैं उस टाइम पे आप कॉन्शियसली इतने अवेक नहीं होते हैं बट सबकॉन्शियसली आप उस टाइम पे बहुत पावरफुल होते हैं. तो वो टाइम होता है परफेक्ट जब आप सबलिमिनल सुन सकते हैं, क्योंकि वो चीज बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है, रिप्रोग्राम करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को. लेट इट गो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. इसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक पॉसिबल नहीं है. लेट इट गो मतलब कि उस चीज को जाने दो, उसके ऊपर ज्यादा विचार सोच विचार ना करो, ज्यादा उस पर डाउट मत करो, अपना नॉर्मल जो लाइफ चल रही है उस पर कंटिन्यू करते रहो, जो भी आपका गोल है उस पर काम करते रहो. ज्यादा उसके बारे में आप सोचेंगे कि मैं ये कर रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये डाउट वाली सिचुएशन आप इसको प्लीज साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट थोड़ा सा भी रहेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर काम नहीं करता है. जब आप कुछ चीज सोचते हैं आपके इमोशंस निकल के आते हैं एंड अगर आप वो नेगेटिव इमोशंस यूनिवर्स में देंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है, यूनिवर्स काम करता है फ्रीक्वेंसीज में एंड इमोशंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं. सो अगर आप ये सोचेंगे, बहुत डाउट करेंगे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे मैंने ये आज सुना था, पता नहीं मैं कितनी बार सुनूं, क्या करूं कैसे, अगर आप इतना ज्यादा सोचोगे उस चीज को लेके तो वो चीज आपसे और दूर हो जाएगी. आप कोई चीज सुन रहे हैं, सबलिमिनल को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको सुनते रहिए एंड जस्ट लेट इट गो. डे अपना ऐसे काटिए जैसे कि आपने ऐसा कुछ किया ही ना हो, ऐसा ही कुछ हुआ ही ना हो. जस्ट लेट इट गो, जाने दो उसको. फिर से रात आएगी, सुनिएगा, सो जाइएगा, फिर सुबह उठ के फिर सुनना, फिर अपना नॉर्मल पूरा डे बिताना, बट उस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एंड बिलीव करना है कि जो चीज आप कर रहे हैं वो चीज होनी ही होनी है. बात करते हैं कि क्या आप ओवरनाइट सबलिमिनल सुन सकते हैं. मैं ओवरनाइट सबलिमिनल्स पे बिल्कुल विश्वास करती हूँ. मैंने अपने इंटरव्यूज के टाइम पे, जब मेरे इंटरव्यूज जॉब के लिए मैं कोई भी इंटरव्यू देने जाती थी, मैं पूरी रात लूप पे एक सबलिमिनल में लगा के रखती थी एंड उसको पूरी रात सुनती थी. अगले दिन मुझे उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता ही मिलता था. गाइज आप यकीन नहीं मानेंगे, जब जब मैंने सबलिमिनल सुने हैं मेरी, उससे नेक्स्ट डे मेरा वो इंटरव्यू क्रैक हुआ ही हुआ है. मैं इसको आंख बंद करके रिकमेंड कर सकती हूँ इस चीज को, बट कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं.
अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में. प्रिकॉशंस ये कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सबलिमिनल नहीं सुननी चाहिए, या फिर आपको फोकस का बहुत ही फोकस वाला काम कर रहे हैं आपको सबलिमिनल नहीं सुनने हैं. अगर आप हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं आपको उस टाइम पे सबलिमिनल नहीं सुनने हैं. ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. जब भी आप बहुत रिलैक्स हो उस टाइम पे आप सबलिमिनल सुनिए तो वो और अच्छे तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करेगा. क्या हम मेडिटेशन करते करते सबलिमिनल्स को सुन सकते हैं? यस, क्योंकि अगेन उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जागृत होता है एज कम्पेयर टू कॉन्शियस माइंड. एंड जो सबलिमिनल है वो मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ही इजी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है. जो रिजल्ट आपको सबलिमिनल का सोने से पहले एंड उठते ही सुनने के बाद मिलता है वैसा ही रिजल्ट आपको मेडिटेशन के टाइम पे मिल सकता है. एंड ये बहुत ही अच्छी चीज है. अगर आप मेडिटेशन के टाइम पे सबलिमिनल सुनते हैं मेडिटेशन करते करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इफेक्टिव है. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत जल्दी रिप्रोग्राम होता है. क्या हम सबलिमिनल YouTube वीडियोस को MP3 में कन्वर्ट करके डाउनलोड करके सुन सकते हैं? मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप ऐसा ना करें. ठीक है, इसके पीछे भी एक रीजन है. जब आप डाउनलोड करते हैं चाहे वो आप कितनी भी क्वालिटी में करें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनर सा चेंज आता ही आता है. एंड कुछ वेव्स होती हैं उस म्यूजिक में जो कि डैमेज हो सकती हैं अपने आप से. ये चीज एक्चुअली मैं नहीं बोल रही हूँ. जब मैंने सबलिमिनल काफी साल पहले स्टार्ट किया था ये सवाल मेरा भी था. एंड मेरी एक सीनियर है वो सबलिमिनल को बहुत ही ज्यादा फॉलो करती थी तो उनसे मैंने ये चीज सीखी थी कि जब भी सबलिमिनल सुनो अगर आपको उसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसको हाई क्वालिटी में करके आप प्रॉपर लूप पे सुन सकते हो. बट डाउनलोड करने वाला ना रिस्क ना लो, या फिर आप डायरेक्टली उसके ऑनर से जो सबलिमिनल जिसका है उसके ऑनर से कॉन्टेक्ट करो और उससे उसका ओरिजिनल कॉपी लो. बट डाउनलोड मत करो क्योंकि वो चीज फिर यूजलेस हो जाती है. ना आप उसे सुन रहे हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड कुछ होना भी नहीं है. तो इसीलिए मैं आपको ये चीज पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लोग यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए उसको कहते हैं कि नहीं आप डाउनलोड मत कीजिए आपको यूट्यूब पे ही सुनना है. इसके पीछे भी एक रीजन होता है. अब सवाल आता है कि क्या हम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं सबलिमिनल के साथ में? माय आंसर इज यस. अगर आप सपोज मुझे क्लियर स्किन चाहिए, मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, मैं जर्नलिंग भी कर रही हूँ, मैं हर चीज कर रही हूँ, प्लस मैं सबलिमिनल्स भी सुन रही हूँ, तो जो रिजल्ट्स हैं वो बूस्टअप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. सबलिमिनल को कितनी बार सुनना चाहिए? ये फैक्ट है कि आप जितना उस चीज को सुनेंगे उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है. मेरे केस में मैं ओवरनाइट भी रखती हूँ. कभी कभी मन करता है कि 5 से 10 बार, कभी कभी 2 बार ही सुनने का मन करता है. इट्स कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है यहाँ पे कि आपको 2 बार ही सुनना है, 10 बार ही सुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपको जितना मन करे आप उतना सुन सकते हो. बट हाँ, अगर आप ज्यादा सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग आपको आएगा. बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हो गया, काफी ज्यादा आपके ब्रेन पे प्रेशर आएगा. बट करने वाले कर सकते हैं, कोई इतना कुछ खास रूल नहीं है. क्या सबलिमिनल सेफ है? दीज सबलिमिनल्स आर टोटली सेफ. यस. क्या हम मल्टीपल विशेस के लिए मल्टीपल सबलिमिनल सुन सकते हैं? द आंसर इज नो. एक्चुअली मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करती हूँ. आप सुन सकते हो, कोई रूल ऐसा एज सच नहीं है. बट आप जितना अगर एक चीज पे फोकस होके अगर एक टाइम पर आप एक चीज को सुनेंगे तो वो चीज आपके लिए बेहतर है. मेरे अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 2 सबलिमिनल को एक साथ चला सकते हैं. आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने सुबह एक को सुन लिया, रात को दूसरे को सुन लिया, बस. अगर कुछ लोग होते हैं उनको हाइट के लिए भी चाहिए, उनको स्किन के लिए भी चाहिए, उनको हेयर के लिए भी चाहिए, तो इस तरीके से कहते हैं कि हलवा बन जाएगा एंड आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड और कन्फ्यूजन सा अंदर अंदर क्रिएट हो जाएगा. तो वो चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ. आई रिकमेंड कि एक चीज़ पे रह के उस चीज़ को फोकस किया जाए एंड ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है. नेक्स्ट सवाल है कि रिजल्ट्स कब तक मिलते हैं सबलिमिनल म्यूजिक से? 21 डेज मिनिमम है, जैसे कि मैंने बताया 21 डेज मिनिमम है. क्योंकि कोई भी हैबिट को या कोई भी पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी बॉडी को 21 दिन का टाइम लगता है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है. बट इसका मैक्सिमम टाइमलाइन कब तक है, मैं अनलिमिटेड वाली बात नहीं बोलूंगी. 11 मंथ्स इसका मैक्सिमम है. अगर आप 11 मंथ तक रेगुलरली प्रॉपर फ्लो में बिना किसी ब्रेक के इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ही पंक्चुअल होके इस चीज को सुनेंगे, इस चीज को करेंगे, तो विद इन 11 मंथ्स यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स.
11 मंथ्स देखो एक मैक्सिमम टाइमलाइन है एंड 21 है मिनिमम. अगर आप कुछ चीज को स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप उस चीज को वहां तक लेके जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है एंड वो बीच में ही छोड़ देते हैं, और जैसे वो ये थॉट क्रिएट करते हैं कि कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, वहीं पे जो चीज आपको मिलने वाली भी होती है वो भी लाइक. सो यप, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है, सो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज़ 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 बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल. बाय.